हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशन और थ्योरम देखा था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। सो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि जो भी इनफाइनाइट सेट रहेगा वो इक्विवेलेंट किससे रहेगा? टू इट्स वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट से। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसिडर एक्स बी एन इनफाइनाइट सेट। सो देयरफॉर बाय थ्योरम वी कैन से दैट एक्स हैज अ काउंटेबल सबसेट, सपोज दैट सेट शुड बी ए। सो देखिए, लास्ट थ्योरम ने हमने क्या देखा था कि एवरी इन्फाइनाइट सेट हैज अ डिन्यूमरेबल सबसेट। अगर डिन्यूमरेबल है मतलब वो कैसा रहेगा? काउंटेबल रहेगा। सो देयरफॉर हियर वी कैन कंसिडर दैट एक्स हैज अ काउंटेबल सबसेट, दैट सेट शुड बी ए। सो लेट अस कंसिडर दैट ए इज इक्वल्स टू समथिंग ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन, दिस इज अ काउंटेबल सबसेट। ठीक है, सो नेक्स्ट लेट ए वन इज इक्वल्स टू ए टू ए थ्री ए फोर एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हमने और एक सेट कंसिडर किया है, दिस इज कैपिटल ए वन, जो कैसा है, जो हमने क्या किया है, जो कैपिटल ए जो सेट है उसमें से हमने एक एलिमेंट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है, जो देयरफॉर वी कैन से दैट कैपिटल ए वन इज इक्वल्स टू ए माइनस ए वन। नाउ लेट अस कंसिडर कैपिटल ए वन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए यूनियन ए वन। सो देखिए, यहाँ पे हमने दूसरा एक सेट कंसिडर किया है, जो कैसा लिया है हमने, एक्स माइनस ए यूनियन ए वन। ठीक है, सिंस ए वन बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड ए वन डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स वन, देयरफॉर वी कैन से दैट एक्स वन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। सो यहाँ पे देखिए, हमने जो एक्स वन सेट लिया है वो कैसा लिया है, जो एक्स जो सेट है उसमें से हमने पहले क्या किया, ए को सब्ट्रैक्ट किया और उसका यूनियन हमने लिया है ए वन से। सो देखिए, कैपिटल ए में जो एलिमेंट्स है वो कौन से है, ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन, और उसको क्या किया हमने x में से माइनस कर दिया, तो वो एलिमेंट x1 में रही रहेंगे। ठीक है, और फिर उसका हमने यूनियन किससे लिया है, a1 से लिया है, और a1 में कौन सा एलिमेंट नहीं है, स्मॉल a1 एलिमेंट नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट a1 जो एलिमेंट है स्मॉल a1 वो किस में रहेगा, कैपिटल x में रहेगा, लेकिन x1 में वो नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट x1 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x। नाउ हियर वी हैव टू प्रूव दैट x इज इक्विवेलेंट टू x1। सो देखा हमने पहले, सबसे पहले क्या किया, जो एक्स जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है, उसका हमने एक प्रॉपर सबसेट लिया है जो कि कौन सा है, एक्स वन है। और हमें थ्योरम क्या प्रूव करना है कि जो इनफाइनाइट सेट है वो किससे इक्विवेलेंट रहेगा, शुड बी इट्स इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। सो हियर वी हैव टू प्रूव दैट एक्स इज इक्विवेलेंट टू एक्स वन। सो एक्स इज इक्विवेलेंट टू एक्स वन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, जो फंक्शन कैसा होना चाहिए, वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए, यानी कि इन दोनों सेट के अंदर हमके कौन सा चाहिए, वन वन करस्पॉन्डेंट ये रिलेशन हमको एग्जिस्ट करता है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, सो कंसिडर द फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स वन डिफाइन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू x माइनस ए एंड एफ ऑफ ए वन इज इक्वल्स टू ए आई प्लस वन फॉर ऑल ए आई बिलोंग्स टू ए। सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू फ्रॉम एक्स टू ए। सो क्लियरली वी कैन से दैट सी हियर वी हैव डिफाइन अ फंक्शन विच इज आइडेंटिटी फंक्शन। सो देयरफॉर वी कैन से दैट आइडेंटिटी फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑल्सो वन वन एंड ऑन टू फ्रॉम द सेट एक्स टू एक्स वन। सो देयरफॉर वी कैन से दैट here exists a function f which is 1 1 and on 2, therefore we can say that x is equivalent to x1. So hence we can say that every infinite set is equivalent to one of its proper subset. Next theorem, every infinite subset of a countable set is countable. सो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि अगर कोई काउंटेबल सेट है उसका अगर हमने इनफाइनाइट सबसेट लिया तो वो भी कैसा रहना चाहिए, काउंटेबल रहना चाहिए। सो हियर वी कैन से वी सी द प्रूफ, लेट कैपिटल ए इज इक्वल्स टू स्मॉल ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन बी अ काउंटेबल सेट एंड बी बी एनी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ए। सो हियर वी हैव टू शो दैट कैपिटल बी इज काउंटेबल सेट। सो देयरफॉर बाय हाइपोथेसिस वी कैन से दैट ईच एलिमेंट ऑफ बी इज ए आई, बिकॉज देखिए हमने यहाँ पे जो सेट लिया है ए वन उसमें के एलिमेंट्स कौन से हैं, ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन, और वो जो बी एलिमेंट है वो हमने क्या लिया है, ए ये सबसेट का क्या है, ए जो सेट है उसका क्या है, ये इनफाइनाइट सबसेट है। देयरफॉर बी के भी जो एलिमेंट्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, ए आईज के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, सो लेट एन वन बी द स्मॉलेस्ट सबस्क्रिप्ट फॉर विच ए एन वन बिलोंग्स टू बी,
लेट एन टू बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एन टू ग्रेटर दैन एन वन एंड ए एन टू बिलोंग्स टू बी, देन वी कैन से दैट द सेट ए एन वन ए एन टू एंड सो ऑन इज कैपिटल बी सिंस द सेट एन वन एन टू एन थ्री इज काउंटेबल, देयरफॉर वी कैन से दैट ए एन वन ए एन टू एंड सो ऑन इज काउंटेबल। और जो ए एन वन ए एन टू ए एन थ्री एंड सो ऑन ये जो सेट है वो कौन सा सेट है, बी सेट है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट बी इज अ काउंटेबल सबसेट। सो हेंस वी कैन से दैट एनी इन्फाइनाइट सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑल्सो काउंटेबल। नेक्स्ट थ्योरम, इफ कैपिटल ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन आर काउंटेबल सेट देन यूनियन ऑफ ए एन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी इज काउंटेबल, दैट इज काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। सो यहाँ पे जो थ्योरम दिया है वो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो काउंटेबल सेट है उसका अगर हम यूनियन लेते हैं तो वो जो यूनियन का जो सेट रहेगा वो भी कैसा रहेगा, काउंटेबल रहेगा। ठीक है, सो लेट अस सी द प्रूफ। लेट कैपिटल ए वन कैपिटल ए टू ए थ्री एंड सो ऑन आर काउंटेबल सेट्स एंड दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल ए वन इज इक्वल्स टू ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री एंड सो ऑन, कैपिटल ए टू इज इक्वल्स टू ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री एंड सो ऑन, कैपिटल ए थ्री इज इक्वल्स टू ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ए एन इज इक्वल्स टू ए एन वन ए एन टू ए एन थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने जो सेट लिए है ए वन ए टू ए थ्री ये सब कैसे है, काउंटेबल सेट लिए है, जो हमने काउंटेबल सेट को इस तरह से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, नाउ कंसिडर द एलिमेंट इन अबव एक्सप्रेशन द सम ऑफ हुज सबस्क्रिप्ट इज टू। सो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, जो ऐसे एलिमेंट्स लेना है जिसके सबस्क्रिप्ट का जो सम रहेगा वो कैसा रहेगा, टू रहेगा। सो हमें पता है कि यहाँ पे सिर्फ वो एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, सो देयर इज ओनली वन एलिमेंट, वो एलिमेंट कौन सा रहेगा, ए वन वन। सो यहाँ पे देखिए इसके जो सबस्क्रिप्ट है क्या है, वन वन है, इसके अगर हम एडिशन करते हैं तो वो क्या आएगा, टू आएगा। सो यहाँ पे क्या रहेगा, जो ऐसा जो एलिमेंट है जिसके सबस्क्रिप्ट का सम टू है वो क्या कौन सा रहेगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा जो कि है ए वन वन। नाउ देयर आर टू एलिमेंट्स ए वन टू ए टू वन हुज सम सबस्क्रिप्ट्स इज थ्री। सो यहाँ पे देखिए ऐसे जो एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास जिसका सबस्क्रिप्ट थ्री है वो कौन सा है, सिर्फ दो एलिमेंट्स है जो कि है ए वन टू एंड ए टू वन। नाउ देयर आर थ्री एलिमेंट्स ए टू टू ए वन थ्री एंड ए थ्री वन हुज सम ऑफ सबस्क्रिप्ट इज फोर। सो यहाँ पे देखिए हमने नेक्स्ट क्या लिया है, ऐसे एलिमेंट्स लिए हैं जिसके सबस्क्रिप्ट का सम कौन सा है, चार है, और उसके जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स कौन से रहेंगे जो कि है ए टू टू ए वन थ्री एंड ए थ्री वन। देयरफॉर दस फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर यम ग्रेटर दैन इक्वल्स टू टू देयर आर यम माइनस वन एलिमेंट हुज सम ऑफ सबस्क्रिप्ट इज यम। सो यहाँ पे देखिए जो हमारे सबस्क्रिप्ट का जो सम था जब टू लिया था तब हमें वहाँ पे कितने एलिमेंट्स मिल रहे थे, वन मिल रहे थे, जब हमने सम थ्री लिया तब हमें वहाँ पे कितने एलिमेंट्स मिल रहे थे, टू एलिमेंट्स मिल रहे थे, और जब हमने सम फोर लिया था तब हमें कितने एलिमेंट्स मिल रहे थे, थ्री एलिमेंट्स रहे। तो सिमिलरली वी कैन से दैट अगर हमने सबस्क्रिप्ट का अगर सम यम लिया तो एलिमेंट्स हमें कितने मिलने चाहिए, यम माइनस वन एलिमेंट्स मिलने चाहिए। नाउ वी कैन राइट द एलिमेंट ऑफ यूनियन ए एन अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ सबस्क्रिप्ट विच आर ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए वन थ्री एंड सो ऑन, वेयर वी हैव रिमूव्ड द एलिमेंट्स ए के जे विच हैज़ बीन काउंटेड ऑलरेडी पिक्टोरियली, द प्रोसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। सो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री एंड सो ऑन वो कहाँ के एलिमेंट है, कैपिटल ए वन के। नेक्स्ट रो में जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री वो कहाँ के एलिमेंट है, सेट ए टू के एलिमेंट्स। नेक्स्ट रो में जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं ए थ्री वन ए थ्री टू एंड सो ऑन ये कहाँ के एलिमेंट्स है, सेट ए थ्री के एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए हमने जो प्रोसेस ली थी पहले उस प्रोसेस में हमने क्या किए थे, ये जो सारे एलिमेंट्स है काउंट किए थे, अभी देखिए हम इन सब सेट का यूनियन ले रहे हैं, तो यूनियन करने के बाद ये जो सारे एलिमेंट्स है वो यूनियन सेट में भी जाने वाला है, तो हमें क्या करना है वहाँ वो जो सेट है वो काउंटेबल प्रूव करना है। सो काउंटेबल प्रूव करने के लिए हमें जो एलिमेंट्स है वो कैसे वहाँ पे पूरे के पूरे एलिमेंट्स काउंट होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करें वो एलिमेंट्स यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। सो देखिए हमने जब सबस्क्रिप्ट का सम टू लिया था तब हमें यहाँ पे एक एलिमेंट मिल रहा था जो कि कौन सा आया, ए वन वन। नाउ हमने आगे क्या लिया था, ऐसे एलिमेंट्स लिए थे जिसका सबस्क्रिप्ट का सम क्या था,
तीन था, तो हमें वो कहाँ मिल रहे थे, ए टू वन एंड ए वन थ्री, ए वन टू, ठीक है। नेक्स्ट हमने सबस्क्रिप्ट का सम कहाँ क्या लिया था, फोर लिया था, तो वहाँ पे हमें कितने एलिमेंट्स मिल रहे थे, तीन एलिमेंट्स मिले, जो कि कौन से थे, ए थ्री वन, ए टू टू एंड ए वन थ्री, ठीक है। सो देयरफॉर द फैक्ट दैट दिस काउंटिंग स्कीम इवेंचुअली काउंट्स एवरी ए के जे, ठीक है। सो मतलब क्या है, इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, जो भी सारे एलिमेंट्स हैं जो कि यूनियन सेट में आ रहे हैं, वो सारे के सारे कहाँ क्या हो रहे हैं, यहाँ पे काउंट हो रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि जो यूनियन का जो सेट है वो कौन सा है, अपना काउंटेबल सेट है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट यूनियन ए एन फ्रॉम एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी, दिस सेट इज ऑल्सो काउंटेबल सेट, हेंस वी कैन से दैट काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल।